ओवरसोल्ड जोन्स को आप टैप कर रहे हो, वहां पर आप एंट्री लेने के बारे में बोल रहे हो। फिर कौन से हैं वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन्स, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप अपनी राय देना चाहेंगे? अगर उनमें एंट्री आएगी तब लेंगे, बेचना नहीं है का मतलब ये नहीं कि हम आईटी अभी ले लेंगे तुरंत। हमने आईटी को शॉर्ट सेल नहीं करना है, अगर हमने शॉर्ट सेल ही करना है तो हम सिर्फ बैंक्स और ऑटोस को शॉर्ट सेल करेंगे, और बाकी के जो सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग के सिग्नल एक एक करके आ गए, अब सीमेंट में भी आ गया, हम फार्मा में भी इंतजार करेंगे। अब जैसे लुपिन में बाई आ चुका है, बायोकॉन में आ जाएगा किस दिन, तो फार्मा और आईटी हमने बेचना नहीं है। जब जब उनमें बाई सिग्नल आएंगे हम तभी उनमें एंट्री करेंगे, और थोड़ा सा करेक्शन सीमेंट में आएगा। शॉर्ट सेलिंग अगर करनी है निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे या ऑटोज और बैंक्स को ही करेंगे। सुशील, मुझे आपकी ये बात काफी, आपने बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विंसिंगली ये बात कही कि बाजार अभी ये जो रिबाउंड है इनको ज्यादा रीड मत करिए। फ्रेमवर्क आपको अभी भी नेगेटिव ही लग रहा है बाजार का, ये ट्रिगर ग्लोबली होगा या आपको लगता है कि जो हमारी आउट परफॉर्मेंस रही है वर्सेस द वर्ल्ड वो रिवर्स हो जाएगी? देखिए, अभी तक तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जितना ज्यादा S&P नीचे आ चुका है, निफ्टी तो अभी तक 17,100 तक भी नहीं आया, इसको होना चाहिए था 16,600 पे अगर S&P और निफ्टी साथ चल रहे होते, तो क्लियरली अभी तक तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जब तक ये आउट परफॉर्मेंस कंफर्म नहीं हो जाता कि अब इट इज गोइंग टू डू अ कैचअप, तब तक अग्रेसिव होने का फायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में अगर आज जो नीचे 17,450 तक हम गए थे, अब 17,720 22,25 तक है, तो एक बार 17,100 तक आए और उसके बाद उसको तोड़े तब एक नया कॉल लेंगे कि अब निफ्टी भी अपने आउट परफॉर्मेंस को सरेंडर करके कैचअप एक्ट करेगा। तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाए या बहुत ही एकदम एक व्यू पकड़ लें, ऐसा बाजार अजय अभी फिलहाल मौका नहीं दे रहा है। बाजार के अंदर अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग ट्यून पर चल रहे हैं, और जिसके जो चीज पकड़ में आ जाए, जो समझ में आ जाए, उस तरफ काम करना चाहिए। एक तरफ अमेरिका का बाजार मन खोल के तेजी नहीं करने देता, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मंदी ठीक से नहीं करने देते, तो सबको अपना चुन चुन कर अभी काम करना पड़ेगा। कमोडिटीज बुलियन पर भी आपका व्यू है, लेकिन इस वक्त करेंसी पर आप